गुल्ली बुल्ली और माइकल हॉरर स्टोरी का पार्ट 4 देखने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसके पिछले के तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे माइकल एक एक करके सभी लोगों को दर्दनाक मौत देकर मार रहा था और अपने गर्लफ्रेंड सैम की मौत के बारे में सुनकर मैक्स को काफी झटका लगता है और अब वो माइकल से लड़ने का मूड बना लेता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि माइकल को मारना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए जैसे ही मैक्स माइकल को मारने के लिए जाता है तभी माइकल उसका हाथ पकड़कर उसका हाथ काट देता है और फिर उसे वो उसके सीने के अंदर घुसा देता है। और मैक्स समझ गया था कि अगर वो माइकल के पास रहेगा तो माइकल उसे और भी दर्द दे देगा, इसीलिए वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और मैक्स के वहाँ से जाते ही माइकल भी मैक्स के पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि मैक्स अब जहाँ पर जाएगा वहीं पर उसे बाकी के लोग भी छुपे हुए मिल जाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। मैक्स मदद की उम्मीद लेकर गुल्ली बुल्ली और सिंथिया के पास जाता है, लेकिन उल्टा ये लोग उसकी दर्दनाक हालत देख कर काफी घबरा जाते हैं और गुल्ली सिंथिया वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे बुल्ली को ऐसा लगता है कि शायद माइकल वहाँ पर आ गया है, इसीलिए वो भी कूद कर वहीं पर छुप जाता है। बेचारा मैक्स, वो तो यहाँ पर मदद की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन उसके आखिरी समय में उसके अपने दोस्तों ने ही उसे धोखा दे दिया और उसे मरने की हालत में छोड़कर वहाँ से चले गए। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि माइकल के वहाँ पहुँचने से पहले ही मैक्स ने अपना दम तोड़ दिया, वरना अगर उसके मरने से पहले माइकल वहाँ पर आ जाता तो वो उसे और भी दर्द देता। और मैक्स के मरने के बाद माइकल आगे बढ़ने लगता है। Mother is talking to you. Find them. और यहाँ पर गुल्ली और सिंथिया काफी बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि इनके पास यहाँ से बचकर भागने का और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है और माइकल उन्हें ढूंढते हुए यहीं पर आ रहा है। और यहाँ आने के बाद ये इन दोनों को ही निपटा डालेगा। और जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ। माइकल वहीं पर आ जाता है जहाँ पर गुल्ली और सिंथिया छुपे थे और फिर वो उन लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन अभी ये लोग उसे नहीं मिलते हैं क्योंकि वो लोग अंदर छुपे थे और माइकल उन्हें बाहर ही ढूंढ रहा था। और यहाँ पर गुल्ली अपना सर उठाकर ये देखता है कि माइकल यहाँ पर अभी भी है या फिर वो यहाँ से चला गया है। और चारों तरफ देखने के बाद जब गुल्ली कन्फर्म हो जाता है कि माइकल यहाँ से चला गया है तो वो भी उठकर वहाँ से जाने लगता है। और माइकल अभी भी यहाँ पर गुल्ली और सिंथिया को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि मानो उसके साइड से कोई वहाँ से भाग रहा हो। और वो जैसे ही मुड़ता है तो वो बुल्ली को वहाँ से भागते हुए देखता है। उसके बाद माइकल भी बुल्ली के पीछे पीछे जाने लगता है। गुल्ली और सिंथिया तो बाल बाल बचे हैं, वरना अगर माइकल उन लोगों को देख लेता तो वो दोनों लोगों को मार डालता, लेकिन अब बेचारा बुल्ली फंस गया है। माइकल उसके पीछे पीछे ही भाग रहा है और बुल्ली भी माइकल को अपने पीछे पीछे आते हुए देखकर काफी घबरा जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सोफे में टकरा कर वो नीचे गिर जाता है। अगर कुछ ही देर में बुल्ली की मदद नहीं की गई तो माइकल उसे भी मार डालेगा। और फिर माइकल बुल्ली को मारने जाता है, लेकिन तभी अचानक से किसी ने उसको गोली मार दिया था। You cannot die. You can never die. सही समय पर पुलिस ऑफिसर ने आकर माइकल को गोली मारकर उसे बेहोश कर दिया है और अब माइकल कुछ देर तक ऐसे ही बेहोश रहने वाला है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर माइकल के पास जाने लगता है। यहाँ पर बंदूक के चलने की आवाज़ सुनकर गुल्ली और सिंथिया भी बाथरूम से निकल आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस आ गई है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर इन तीनों से बोलता है, आप तीनों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों के वजह से आज ये कातिल हमारे गिरफ्त में है, वरना ना जाने ये इस शहर में कितना खून बहाता। हम आपको जबान दे रहे हैं कि हम आपके दोस्तों के मरने का बदला इससे जरूर लेंगे और इन्हें मौत की सजा दिलवाएंगे। अच्छा तो अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हमें इसके होश में वापस आने से पहले ही यहाँ से जाना होगा, वरना फिर इन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर माइकल को अपनी गाड़ी में लेटा कर वहाँ से जाने लगता है। और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, चलिए जानते हैं कि आखिर इस पुलिस ऑफिसर की माइकल से क्या दुश्मनी थी और अब ये पुलिस ऑफिसर माइकल से अपना सालों पुराना बदला कैसे लेगा। मुझे आज भी वो रात याद है, 7 साल पहले की वो रात, जिस दिन तुमने मेरे घर में घुसकर मेरे सभी परिवार वालों को मार डाला था। और जैसे ही मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँचा तो तुमने मेरे सारे दोस्तों को भी मार डाला। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी थी,
जिस वजह से तुमने मुझे उस रात 7 सालों तक घुट घुट कर रहने के लिए जिंदा छोड़ दिया, और तुम्हें शायद ये अंदाज़ा भी नहीं है कि कैसे कैसे मैंने इन 7 सालों को घुट घुट कर काटा है। इन 7 सालों तक मैं बिल्कुल अकेला था और उस मौके का इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम वापस से इस शहर में लौट आओगे और फिर तुम्हें मार कर मैं अपने इस दर्द भरे जीवन से मुक्ति पाऊँगा। और आखिरकार 7 सालों बाद ये दिन आ ही गया।